नमस्कार दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल पर। देखिए, आज एलसीएम एचसीएफ का ये चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, पावर के, पावर जगह आपकी पॉजिटिव हो, पावर आपकी नेगेटिव हो, उस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखिए, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, हालांकि इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो उसका वीडियो अलग से होगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये छोटा है और ये जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उसके यहाँ पर बात करेंगे। जब ये नंबर बड़े बड़े होंगे तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले छोटे नंबर का हम आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम है। जनरली हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, 12, 16, 24 और 36, इस टाइप से। यहाँ से 2 से किया, फिर से 2 से किया, जब तक ये 2 से होता जाएगा हम लोग इसको करते जाएंगे। अब 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दी 48, 48 दिया। यहाँ देखेंगे, 48 गुणे 3, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और अगर आप देखेंगे, जैसे होता है, एक आप नंबर ले लीजिए, 1, 2, 3, 4 मान लीजिए है, तो इसका जो बड़ा नंबर होता है, मान लीजिए 4 है, तो अभी ये दो नंबर, ये तीन नंबर इसमें डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, 4 का 8 कर लेंगे, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 4 का मल्टीपल करते जाएंगे, अभी भी नहीं हो रहा, तो 12। अब 12 देखिए, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी हो गया, तो 12 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग निकालते हैं, लेकिन छोटे नंबर है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बड़े नंबर का वीडियो अलग से मैं लेकर आऊँगा। इसमें मेरा मोटिव ये, अलग अलग जो भी और आपके टाइप के एलसीएम एचसीएफ है उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 24, 56, 96, तो दो नंबर को हम पहले ले लेते हैं। हम भाग विधि से अगर बात करें, 24, 56, 24 दूनी 48, 16 में से अट गया 8, फिर 24 लगेंगे, 8 या 24, ठीक है, ये पूरा पूरा चला गया। अब इसी 8 का हम इसमें करेंगे 96 में, तो 12 8 96, तो जो लास्ट में आप जिससे भाग देते हैं वही आपका एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 144। तो ये मैंने बेसिक टर्म आपको समझाए, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। जब भी, अब देखिए, अलग अलग टाइप आपके आना शुरू हो गए हैं। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम आपसे पूछा जाए, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, अगर एलसीएम पूछा है तो अंश का, जैसे अगर एलसीएम पूछा गया है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, और अगर एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ अंश का एचसीएफ निकालेंगे। जिसका एचसीएफ एलसीएम पूछा जाए उसे ऊपर वाले नंबरों का आपको निकालना है, और नीचे वाले का जस्ट उसका अपोजिट। जैसे इसका एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो हम यहाँ पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखिए, 4, 6, 8 का मैंने बोला, जो नंबर बड़ा हो, जो नंबर बड़ा हो उसका आप मल्टीपल ज़रा देखिए। तो 8 से, अभी 4 से तो भाग जा रहा है, लेकिन 6 से नहीं जा रहा है। 8 दूनी 16, क्या 16 से 6 से भाग गया, नहीं गया। तो 8 या 24, अब 24 देखिए 6 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। या आप सिंपल सा वैसे करके भी निकाल सकते हैं। फिर से समझिएगा, बड़ा नंबर को यहाँ पर देखेंगे, उसका मल्टीपल करते जाएंगे, मल्टीपल करते जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, और सभी नंबरों से ये डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है कि ये डिवाइड ना हो, अगर यहाँ पर तीन होते तो क्या पता ये ना हो, तो इसलिए तब अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, ये आपका आ गया। अब देखिए एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए 5 है, 5 का डिवाइड इससे भी हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ही आपका आ जाएगा। एचसीएम में हम क्या करते हैं, ये छोटा नंबर होता है, क्या वो तीनों को फुली डिवाइड कर रहा है, फुली डिवाइड कर रहा है, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं। 1.6, 0.32, 0.040 का एलसीएम बताना आपको। अब जब ये पॉइंट वाले आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, इसमें देखिए तो पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आपका 040 अपॉन पॉइंट हटाना तो 3 अंक थे आपके तो 30 आ जाएंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 अपॉन 1000। ठीक है, एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एससीएम निकालेंगे। तो ज़रा देखिए 16, 32, 40 कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों उसको डिवाइड करें। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो 16, 32 तो ये तो इससे हो रहा है डिवाइड, तो 32 को देख रहे हैं कि 32 इसका कौन से मल्टीपल से डिवाइड होगा। अगर 32 और 40 का हम कॉमन फैक्टर निकाल लें तो अगर आपका 4 निकाल लीजिए आप तो यहाँ आपका बचा 8, यहाँ आपका बचा कितना 10, इससे 2 और निकाल दीजिए तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5। ठीक है, अब 4, 5 ये आपका तो नहीं होगा तो 4, 5, 20 इंटू 20 कर लीजिए तो 20 दूनी 40 और 40 चौको 160। देखिए ये इसका मल्टीपल, ये इसका डिवाइड करेंगे पूरा पूरा होकर डिवाइड। अब 32 और 40 का रह गया तो 32 40, अब ये नंबर बड़ा 40 है। ठीक है, हमने इससे कॉमन कॉमन निकाल लिए तो 4 कॉमन निकाला, यानी कि इससे 8 कॉमन अगर आप निकाल लेंगे तो 8 चौको 32 बचेगा और 8 5 40 बचेगा, 4 5। अब इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है तो 4 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 160 आएगा। अब देखिए 16 से भी ये डिवाइड जाएगा, 32 से भी डिवाइड हो रहा, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15 और 40 से भी डिवाइड हो रहा। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया एलसीएम। अब लेकिन नीचे वाले को आपको एससीएफ निकालना है तो नीचे वाला एससीएफ निकाल लीजिए। एससीएफ में क्या है, जो सबसे कम हो 10, 10 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, 10 का डिवाइड इसमें हो जाएगा तो नीचे आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका एलसीएम 16 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएँ तब आप क्या करेंगे, देखिए ज़रा। जब बेस आपका समान हो और पावर अलग अलग हो, बेस आपका समान हो पावर अलग अलग हो, जब एलसीएम पूछा जाए और एससीएफ पूछा जाए। अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं, जब बेस समान है तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही आपका एलसीएम आ जाता है, 2 की पावर 10 आपका एलसीएम आ जाएगा। इसी में अगर एससीएफ पूछा जाए तो जो सबसे कम पावर होगी वो आपका एससीएफ निकल के आ जाएगा, 2 की पावर 2। एससीएफ की बात करें तो जो सबसे कम पावर होगी वो आपका एससीएफ आ गया, 3 की पावर 4, और जो सबसे ज़्यादा पावर हो वो आपका एलसीएम हो जाएगा, 3 की पावर 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और एससीएफ भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए पावर माइनस में होती है तो आपको पता है कि वैल्यू आती है कम, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो वैल्यू कम आएगी कब, जब पावर ज़्यादा माइनस में होगी। अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो कम पावर जब माइनस की होगी तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा, और अगर आपकी ज़्यादा पावर होगी तो ये आपका एससीएफ आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जब पावर माइनस की होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम और एससीएफ जब पावर माइनस में और हो तब। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए पावर आपकी अलग है और बेस भी अलग है तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 की पावर 4, 3 तिरका 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है, और 5 25 तो 8 81 और 25 का आपको एलसीएम बताना है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए 2 चौको 8, ये आपका जाएगा नहीं, 25 रहेगा, फिर से 2 जाएगा और फिर से 2 जाएगा तो ये तो आपका 4 का हो गया। अब 81 और 25 का देखेंगे, चलिए 2 4 2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 3 से तो 3, ये आपका 27 आएगा, ये 25 आएगा, तो देखिए फिर से 3 जाएगा
आपका 9 आएगा, फिर से 3 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका हो गया 3। मतलब आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर 5 रहेगा, फिर 5 रहेगा। तो देखिए ये 5 इससे हो गया, ये 5 इससे हो गया, तो ये 10 × 10 हुआ, तो ये 5 आपका हो गया और ये 5 हो गया, इनका हमने मल्टीप्लाई लगी। आगे देखिए 3 × 9 9 × 27 27 × 81 81 × 2 162 और 00, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा जब आपकी पावर और वेस समान ना हो। आगे देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर -2 3 की पावर -2, इससे कैसे करेंगे, जब पावर माइनस में हो तब क्या करेंगे। देखिए और आपका बेस भी समान नहीं, जैसे इसकी बात करूं तो बेस समान है, एचसीएफ आपको निकालना है, तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 की पावर -11, ये हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। जब बेस अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग, पावर सेम हो आपकी, तब क्या करेंगे, ज़रा देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर +2। देखिए जब पावर माइनस में होती है तो आप 1/2 करके अगर लिख देते हो पावर आपकी पॉजिटिव की हो जाती है, तो 1/2 2 की पावर 2 को हम लिखेंगे 1/4 और इसको लिखेंगे 1/9। तो 1/4 1/9 का अगर आपको एलसीएम निकालने, मैंने आपसे बोला था ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, 4 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, एलसीएम इसका 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2/3 5/7 3/12 का एचसीएफ आपको बताना है। तो चलिए देखिए, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, कोई भी इसमें कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका ऊपर का एचसीएफ 1 आ जाएगा। और 3/7 12 3/7 12 में आपका देखिए 3 और 12 में कॉमन है आपका 3, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये 7 में कोई कॉमन नहीं है और 3 को बाहर निकालिए, 3 × 12 ये आपका आ गया, तो 7 × 21 21 × 84, तो 1/84 आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन और कंटिन्यू लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट।